गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में संदिग्ध व्यक्ति ने धारदार हथियार से किया पीएसी के दो जवानों पर हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी एटीएस की टीम कर रही है इस मामले की जांच। शिवपाल यादव ने फिर एक ट्वीट के जरिए दिए बड़े संकेत। सुबह सुबह शिवपाल ने रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट की। पहले शिवपाल ट्विटर के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी को कर चुके हैं फॉलो। आज से यूपी में शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। सीएम ने श्रावस्ती से की शुरुआत। बच्चों के साथ भोजन भी करेंगे सीएम। लखनऊ में सीएम आवास पर आज फिर से लगा जनता दरबार। परेशान लोगों की सुनी जा रही समस्याएं। प्रदेश भर से अपनी परेशानी लेकर पहुंच रहे लोग। एबीपी गंगा बना यूपी उत्तराखंड के दर्शकों की पहली पसंद। एबीपी गंगा एक बार फिर नंबर 1। दर्शकों का बहुत शुक्रिया।